बिफोर वी कमेंस अगेन, अभी जो कि कुछ लोगों ने ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इन द मेन वाइल अगर किसी का कोई क्वेश्चन है बाय दैट टाइम, कुछ ज्वाइन करना चाह रहे हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है, हैंड रेज का ऑप्शन यूज़ करें और अपना सवाल पूछ सकते हैं। हैंड रेज का ऑप्शन यूज़ करें प्लीज़। जी नजम, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मैंने ये पूछना था कि मैं ना वो बुक जो आपने सेंड की ग्रुप में वो ओपन कर रहा था, लेकिन उसका कोई पेज नंबर पता नहीं चल रहा कि कहाँ से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से 10 नंबर चैप्टर आपने बोला था, तो उसके कंटेंट्स में तो सारा कुछ लिखा है लेकिन आगे मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि कोई प्रॉपर उसकी चेन नहीं है। तो काइंडली अगर आप यहाँ ओपन बुक की चेन नहीं है जी मेरे दोस्त, क्यों नहीं बता देते हैं आपको, लेकिन आप कह रहे हैं कि बुक की कोई चेन नहीं है सर। वो पेजेस 1-24 फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन उसमें तो सारा वो इंट्रोडक्शन है कौन से राइटर ने किया कौन से। अच्छा जी, आप कह रहे हैं पहले 24 पेजेस पे सिर्फ इंट्रोडक्शन आ रहा है कि किस ऑथर ने लिखी है। जी सर। तो 817 पेजेस की किताब है, आपने 817 पेजेस देख लिए या नहीं देखे अभी? चलें, बड़ी मेहरबानी सर, सारे देखे। चलें मेरे दोस्त, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ और कैसे किताब को पढ़ते हैं वो भी थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा। स्क्रीन नज़र आ रही है अब आपको? जी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको, बताइएगा जनाब। जी जी सर आ रही है। तो ये सामने टेबल ऑफ कंटेंट्स नज़र आ रहा होगा, इसमें पहला है मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड ओवरव्यू, ऐसा ही है? जी सर। और फिर लिखा हुआ है मैनेजमेंट मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स। तो मैंने आपको ये दो फिलहाल पढ़ने को कहा था और इसके बाद मैंने बताया था चैप्टर 5 या 6 होगा जो हम आज से ऑनवर्ड सिलेबस का पहला टॉपिक है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, जिसको हम स्टडी करने जाएंगे। अब आप कह रहे हैं कि उसमें से क्या पढ़ना था, तो मैं आपको खोल के बता देता हूँ मेरे दोस्त। ये मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या है, ये अकाउंटिंग है, डेफिनेशन ये हमने बताई लोगों को कि अकाउंटिंग क्या होती है और फिर फाइनेंशियल और मैनेजेरियल अकाउंटिंग क्या होती है, इन दोनों का फ़र्क हमने बताया, यही हमने बोलते हुए बताया था क्लासेस में और यही हमने आपको पढ़ने को कहा था। फिर ये मैनेजमेंट का काम जो कि प्लानिंग भी होता है, तो ये फिर प्लानिंग डिस्कस हुआ होगा, कंट्रोल करती है मैनेजमेंट एंड ऑल दैट, ये कुछ बेसिक चीज़ें जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रेलेवेंट हैं ये यहाँ पे डिस्कस होगी। लास्ट वीक में हमने बात की थी कॉस्ट क्या होती है और ऑल दैट, तो वो चैप्टर 2 है जिसमें कॉस्ट के हवाले से, कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स के हवाले से बात हो रही है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और देन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये जेंटलमैन, ये डायरेक्ट मटीरियल लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ये बातें हमने, अगर पता नहीं आपने लास्ट वीक में क्लासेस अटेंड की हैं या नहीं, पर वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास। अब ये कुछ और क्लासिफिकेशंस भी लिखी हुई हैं, लेकिन हम इनको आगे चल के मजीद जब चलते जाएंगे तो ये बातें आती जाएंगी, लेकिन अगर आप पढ़ के अभी अपने पास रख लेते हैं, हाँ आप सवाल करके मेरे से पूछना चाहें तो मैं शायद अभी जवाब दे दूँ, लेकिन मेरे नज़रिए चले वही है ना, जब पढ़ेंगे तो सवाल कर लीजिएगा, आई विल आंसर दैट, बट ऑन द अदर साइड जब इसका मेरी डिस्कशन के दौरान मुनासिब वक्त आएगा तो मैं रिलेट करते हुए आपको बता दूंगा और फिर आपको उस चीज़ की समझ आ जाएगी। ये उसी चीज़ को कॉस्ट क्लासिफिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट,
डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ना है, और ये चीज़ जो अभी डब्बा बना हुआ है ये आपने पहले से ज़िंदगी में कहीं बनाया तो होगा कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हो और आपने प्रॉफिट आइडेंटिफाई किया और उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात आती है। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है और इन्वेंट्रीज क्या हैं, इस पर कुछ बात हम आज कर देंगे, और फिर इसी से रिलेटेड ये कुछ जो बातें हैं जो अगले टॉपिक से रेलेवेंट है जिसमें वेरिएबल फिक्स कॉस्ट की बात आएगी वो भी इंशाल्लाह अभी करेंगे। तो ये जो पहले वाली बातें हैं, ये सारी बातें करने के बाद इसके एंड में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अवेलेबल होंगे कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या सोल्ड पता करें और आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं। तो मैं आपकी आसानी के लिए आज थोड़ा सा इस सवालों को ऐसा ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन अगर इस पे आपकी ग्रिप अच्छी होगी तो जो हम अगला टॉपिक करने लगे हैं, अगले दोनों टॉपिक इस पे अच्छी ग्रिप होने से रिलेटेड हैं। तो आप पढ़िएगा मेरे दोस्त, यही किताब मेरे पास है और यही अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास है, और मैंने वही किताब खोली और उसी से जवाब दिया। तो आई होप अब आपको किताब पढ़ना कैसे है उसका कुछ समझ आ गई होगी, एम आई राइट जी? यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। कुछ और लोगों ने भी हैंड रेज किया है, तो लेट मी आस्क देम वो क्या पूछना चाह रहे हैं। जी जी, FSD फैसलाबाद से कोई साहब हैं, 54 हैंड पे आ रहा है जी, आप अपना सवाल कर लें। नजम आप अपना हैंड ओवर कर लीजिएगा प्लीज। जी एक साहब हैं फैसलाबाद से, टू जी प्लीज। जी सर, कैंडी में रिक्वेस्ट ये करनी थी कि जो व्हाट्सएप पे जो ग्रुप वगैरह बना पास हो गया तो शेयर करना जी। मेरे दोस्त आप बहुत आहिस्ता बोल रहे हैं, हमारे से ही बात कर रहे हैं किसी और से? सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आपने जो व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बनाया हुआ है उसका कैंडी नंबर शेयर कर दें। और ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर तो नहीं होता, व्हाट्सएप ग्रुप में तो आपको ऐड होना है, तो आप ठीक है तो आपने जो ग्रुप एडमिन है उनको मैसेज कर देते हैं, वो आपको ऐड कर देते हैं। सर काइंडली नंबर शेयर कर दें उनका भी। चलो फैसलाबाद से कोई और साहब भी अटेंड कर रहे हैं क्लास के नहीं कर रहे सर? अभी तो स्टिल फैसलाबाद से, तो मैंने पहले मैं ही हूँ देखा, अभी बाकियों का भी नहीं पता। अच्छा चलो जी, दैट्स ग्रेट। मेरा नंबर नोट कर लें, मुझे मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आपको लिंक भेज दूँगा, QR कोड, आप उससे क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। 0333-4256-811 ठीक है जी। जी अगर आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो डेली बेसिस पे मैं या ग्रुप एडमिन जो मटेरियल शेयर हुआ होता है इससे पहले वो दोबारा शेयर कर दिया करते हैं, तो आपको उसमें ग्रुप में बुक मिल जाएगी, मैनेजेरियल अकाउंटिंग बाय गैरिसन नॉरीन, ये किताब है जी। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आंसर में सवाल कर रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि क्वेश्चन आंसर मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आई विल नॉट बी एबल टू रीड ऑल दैट, अगर वो हैंड रेज करके सवाल करें तो दैट विल बी अप्रोप्रिएट। जी फतीहा आप अपने सवाल कर लें, और इसके बाद शहबाज खान साहब आप भी सवाल कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, वो ना मैंने कहना था कि कुछ लोगों को ना आज लॉगिन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो कह रहे हैं कि मीटिंग आईडी या वो जो लिंक होता है वो व्हाट्सएप ग्रुप में उनको शेयर कर दें ताकि वो क्लास ज्वाइन कर लें। जी एडमिनिस्ट्रेशन से जो साहब मौजूद हैं, आई वुड रिक्वेस्ट होस्ट जो हैं, ये जो स्टूडेंट की क्यूरी है, अगर आप इसको रिस्पॉन्ड कर सकें। सर इसमें हम जो ना ग्रुप पे ये लिंक शेयर नहीं कर सकते जी, तो उनके अपने पोर्टल के थ्रू ही जाना पड़ेगा, वहीं से करना पड़ेगा, अगर उनको कोई इश्यू आ रहा है तो अपने सेंटर से रابطہ करें वो। जी ठीक है जी, थैंक यू जी फतिया। जिनको इशू आ रहा है, जैसा कि बताया गया कि ये व्हाट्सएप के जरिए शेयर नहीं किया जा सकता, दे आर रिक्वायर्ड टू कॉन्टेक्ट द सेंटर्स, और अदरवाइज पोर्टल के जरिए ज़रा दोबारा एक ट्राई मार लें, आई होप कि ज्वाइन हो जाएगा, बाकी लोगों का हो गया तो उनका भी हो जाएगा। सर मैं उनको बोल देती हूँ, लेकिन उनको पहली क्लास में भी इशू आ रहा था तो सर ने उनको व्हाट्सएप में शेयर कर दिया था, चलिए मैं उनको बोल देती हूँ। हाँ जी, मैंने चूंकि मैनेजमेंट की टीम बैठी हुई है, उन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया,
वो मुनासिब होगा। शहबाज खान आप अपना सवाल कर लें। जी सर, वो विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं वो ये कहना था, नंबर नोट डाउन करने में मिस्टेक हुई, वो नंबर बता दें जरा व्हाट्सएप का आपका। जी जनाब, 0333 जी 0333 42 4256 56 जी आप 56 के बाद 811 811। थैंक यू सर जी। क्लास के बाद जब आप मुझे मैसेज करेंगे, अपना नाम रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के कर दीजिएगा, तो मैं आपको QR कोड भेज दूंगा। एडमिन के साहब भी हैं, उनका नंबर भी मैं शेयर कर देता हूँ। प्रेफरेबल तो ये है कि आप एडमिन को नंबर भेजें तो वो ज़्यादा मुनासिब हो जाएगा, बट अदरवाइज इफ़ यू फील के आपको इशू आ रहा है तो मैं आपको ज्वाइन करा दूँगा। आप उनका भी नोट कर लीजिए प्लीज़। जी जी, उनका भी नोट कर लीजिए जी। 0346 इससे पहले कि हम फॉर्मली स्टार्ट करें, इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। जी ओके, दैट्स फाइन जी, देयर इज नो अदर क्वेश्चन और मेजॉरिटी ज्वाइन कर चुकी है। सो वट एवर वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट क्लास के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग क्या है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की फर्दर जो एलिमेंट्स हैं, क्लासिफिकेशन है, वी डिस्कस दैट। और उसके बाद हमने फर्दर जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के हवाले से बात की थी, मैं थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूँ। तो हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल अंडरस्टैंड किया था, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर अंडरस्टैंड किया था, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड क्या होता है ये अंडरस्टैंड किया था। तो रीकैप के तौर पे ऑल जो मटेरियल्स विच आर कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइबल फॉर अ सिंगल यूनिट ऑफ आउटपुट उसे हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं, and all those which are not conveniently economically identifiable they are called as indirect material. ye bhi baat hui thi ki zaruri nahi hai kisi organization mein tamam material mein se kuch direct aur kuch indirect ho, agar tamam ke tamam traceable hain economically conveniently all can be the direct one. isi tarah direct labor cost ke hawale se baat hui thi, out of labor cost who workers jinka time और कॉस्ट ट्रेसेबल है फॉर अ सिंगल यूनिट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी कॉल्ड एज डायरेक्ट लेबर, एंड ऑपोजिट टू दैट जिनका टाइम और कॉस्ट ट्रेसेबल नहीं है फॉर अ सिंगल यूनिट उसे इनडायरेक्ट लेबर कहा गया। अगेन यहाँ पे भी जो कि आजकल मैकेनाइज प्रोसेसेस हैं, ऑटोमेटेड प्रोसेसेस होते हैं, तो समवट अगर तमाम वर्कर्स का टाइम एग्जैक्टली ट्रेसेबल है तो तमाम के तमाम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के जमने में आ सकते हैं। बट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मीन तमाम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अदर देन दिस डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट, वर्कर को जो पैसे देने हैं, उसके अलावा और भी जो कॉस्ट हमारी इनकर होगी उस कॉस्ट को इनकर करते हुए आप चीज़ बना पाते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी और इफ यू कैन रिकॉल ये दो हमारी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर आपने सेलिंग कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का जिक्र सुना था, ये सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की बात हो रही है, ये भी आपने कुछ अंडरस्टैंड की थी।
यहाँ से ऑनवर्ड आगे चलते हैं, और ऑनवर्ड आगे चलने के लिए थोड़ा सा ये जो मैंने अभी आपके सामने लिखा हुआ है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इससे आगे हमने थोड़ा सा चलना है और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। पहले मेरी स्क्रीन मैं थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ रेलिवेंट चीज़ फिलहाल नज़र आए। अगर आप प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, तो फर्स्टली वी नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज गुड्स सोल्ड कॉस्ट। गुड्स सोल्ड की कॉस्ट किस तरीके से निकाली जाती है, और ये थोड़ा सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स या प्रिंसिपल्स हैं जिनके अकॉर्डिंगली हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, एंड वन ऑफ देम इज मैचिंग प्रिंसिपल। इफ़ यू वांट टू आइडेंटिफाई प्रॉफिट ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस, देन यू नीड टू कंपेयर द रेवेन्यू ऑफ द सेम पीरियड विद द कॉस्ट ऑफ द सेम पीरियड, जो उस पीरियड में उन चीज़ों से रेलिवेंट कॉस्ट है। तो प्रॉफिट पता चलेगा सेल प्राइस ऑफ द गुड सोल्ड और कॉस्ट ऑफ दोज गुड सोल्ड, इन दोनों के कंपेरिजन से जितनी चीज़ें बेची हैं उनकी जो सेलिंग प्राइस है उसको कंपेयर किया जा रहा है उन्हीं चीज़ों की कॉस्ट प्राइस के साथ। तो अगर हम इसको समझना चाहें कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, तो मेरे सवाल का अगर किसी का माइक ओपन है तो वो मुझे जवाब दे सकता है। अगर हम ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं तो ट्रेडिंग बिजनेस में हम चीज़ें बेचते हैं परचेज करने के बाद, एम आई राइट जी? गुड्स परचेज करेंगे और आप उनको सेल कर देंगे, क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस की डेफिनेशन में यह था बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विदाउट ऑल्टरेशन। तो जिनका माइक ओपन है अगर मुझे जवाब दे सकें, लेट्स सपोज हमारे बिजनेस के अंदर जितनी चीज़ें हमने बाय की हैं, जितनी हमने परचेज की हैं, वो तमाम की तमाम हमने सेल कर दी हैं, नथिंग इज लेफ्ट विद अस, कुछ भी नहीं हमारे पास बचा हुआ, तो आप मुझे बता सकते हैं कि एक ऐसा बिजनेस जिसमें जो कुछ खरीदा गया सारा बेच भी दिया गया, तो उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी होगी? जिनके माइक ओपन है अगर वो बात करना चाहें, या जिसका माइक ओपन नहीं भी है और हैंड रेस करके अगर इसको रिस्पॉन्ड कर सकें। जी अंश, आप बताइएगा, आपने रेस किया है। जी जी अंश अहमद सर। जी वालेकुम सलाम। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसे बिजनेस की जिसके अंदर क्वेश्चन कीजिएगा। जी ऐसे बिजनेस की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी जिसमें जो कुछ खरीदा गया वो सारे का सारा हमने सेल कर दिया, नथिंग इज लेफ्ट विद अस। जी बताइएगा सर। जीरो होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जीरो होगी माशाल्लाह। ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो बस लेमैन सा हूँ, जनरल सा हूँ, आप तो फॉर्मूले शर्मूले याद, मुझे सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दे दें। आप ये बता दें कि ऐसा बिजनेस जिसमें कोई इन्वेंट्री नहीं है, जो कुछ भी नहीं बचा मेरे पास अनसोल्ड, जो मैंने खरीदा मैंने सारे ही बेच दिए, तो मुझे बताएं कि मेरे बिजनेस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी होगी? शाबाश। अब चीज को आप जो वो मेमोराइज करते हैं ना कि ये प्लस और ये माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलेगा, उसको छोड़ दें। मैंने आपके सामने सिनेरियो रखा है कि जितनी चीज़ें हमने ख़रीदी हैं, लेट्स सपोज हमने 10,000 की चीज़ें ख़रीदी हैं और हमने कुछ भी नहीं बचाया, कुछ भी नहीं बचा, सारा कुछ बिक गया, तो जितनी परचेज़ की हैं उतनी ही गुड्स सेल भी की हैं। तो वी कैन से दैट कि जो गुड्स परचेज होंगी उतनी ही सेल होगी अगर, तो इसका मतलब गुड्स सोल्ड की कॉस्ट भी उतनी ही है जितनी गुड्स परचेज की कॉस्ट है। बात समझ पाए? यस या नो? जिनका माइक ओपन है वो बता दें। ओके yes. तो जो आप ये कैलकुलेशन करते हैं, मैं उस कैलकुलेशन की लॉजिक आपको समझाने की कोशिश करूंगा। माशाल्लाह वैसे तो आपको सब आता होगा, लेकिन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, अगर हमारे पास कुछ बच जाए, जितनी गुड्स हमने परचेज की हैं वो सारी हमने सेल नहीं की और कुछ चीज़ें बच जाएँ हमारे पास, तो फिर गुड्स सोल्ड की कॉस्ट कितनी होगी?
छोड़ दें, हमने जब ये वर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज लिखा है ये एक बड़ी टर्म है, नेट परचेज एक छोटी टर्म है, गुड्स परचेज जितनी की है उन्हीं को हमने सेल करना है। मेरा सवाल ये था कि गुड्स परचेज अगर की हैं और वही सारी बेच दी हैं तो जितनी गुड्स परचेज की कॉस्ट है उतनी ही गुड्स सोल्ड की कॉस्ट है। लेकिन अगर हम इसमें से अगर फर्स्ट कर लें कि हमारी 2000 की चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं बिक सकी, तो हम जो बिक गई हैं अगर उनकी कॉस्ट निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? 10,000 में से 2,000 माइनस कर दें तो टेक्निकली ये जो गुड्स परचेज की गई हैं इसमें से जो हम माइनस कर रहे हैं ये वो अनसोल्ड गुड्स हैं, और अनसोल्ड गुड्स को आप इन्वेंट्री के तौर पे याद करते हैं if I am not wrong। तो आप कहेंगे इसको अपनी टर्म्स के अंदर आप क्लोजिंग इन्वेंट्री कह रहे होते हैं, बाय द एंड ऑफ द डे जो आपके पास अनसोल्ड पड़ा हुआ है वो इसमें से माइनस कर लिया जाए तो हम कह सकते हैं कि गुड सोल्ड की कॉस्ट 8,000 है। तो जिनके माइक ओपन है अगर उनको समझ आ रही है मेरी बात। जी ओके। तो ये लाइक दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ द बिजनेस, बिजनेस ऑपरेशंस का ये पहला दिन था, हमने आज के दिन का प्रॉफिट पता करना है। तो आज के दिन में जितनी वैल्यू की चीजें बेची गई उसमें से आज के दिन के अंदर जितनी कॉस्ट की चीजें मतलब जिनकी कॉस्ट गुड्स की सोल्ड की कॉस्ट में ये प्रॉब्लम क्या आ रही है? ये अपना माइक काइंडली म्यूट कर लें जिसका माइक ओपन है और वो बात कर रही हैं। अगर एडमिन में से कोई है तो काइंडली अपना माइक म्यूट कर लें। अच्छा जी, तो जो गुड्स परचेज की कॉस्ट है उसमें से हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री जिसे कहा जा रहा है वो माइनस किया टू आइडेंटिफाई द गुड्स सोल्ड कॉस्ट, कितनी गुड्स सोल्ड। मैं ये कह रहा था कि अगर ये पहला दिन है तो आज हमारे पास जो चीज़ें बच गई हैं इनको अगर कल के दिन की बात करें टुमारो, तो क्या ये चीज़ें फेंक दी जाएंगी या इनको भी बेचना है आपने? जो हमने आज चीजें बच गई हैं क्या कल हम इनको फेंक देंगे या इनको भी हम सेल करेंगे? सेल करेंगे सर। ओके अच्छा, सिर्फ जो आज बच गई हैं सिर्फ इन्हीं को ही कल सेल करेंगे या कुछ और भी खरीदेंगे और उसको भी सेल करेंगे? और भी परचेज करेंगे तो टेक्निकली अब समझने के लिए जिसे आप अभी ओपनिंग इन्वेंट्री कहा जा रहा था वो है जो कल चीजें हमारे पास बच गई थी। ठीक है जी, अब मैं कल की वाली जो मेरी मिसाल है उसमें 2,000 की चीजें हैं। ठीक, अब टुमारो की बात हो रही है, उस टुमारो के अंदर मैंने 15,000 की चीजें और बाय की हैं, तो जो चीजें मैं बेच सकता हूँ उसे मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कह सकता हूँ। मेरे पास ये चीजें अवेलेबल हैं सेल करने के लिए। जी एम आई राइट? यस सर। तो कितनी चीजें हम बेच सकते हैं? 17,000 ऐसे ही है जी? हाँ ना yes, बता दें। फर्ज कर रहा हूँ कि आज के दिन के एंड पे मेरे पास फिर कुछ चीजें बच गई हैं 5,000, तो कितने की चीजें सेल हो गई? 12,000। ओके सो ये तो एक कन्वेंशनल जो आप तरीका कार है जब आप ये बनाते हैं तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेस्ड जो कि ट्रेडिंग बिजनेस है, तो चूंकि लाहौर में नमाज का टाइम और पंजाब सारे में और फिर अगर हम थोड़ा लेट करेंगे तो नमाज का वक्त निकल जाता है, कराची वाले अगर उनको नमाज का वक्त हो तो वो 2-4 मिनट दरमियान में से स्किप कर सकते हैं, बाकी अभी सिर्फ 5 मिनट मुझे दीजिएगा मैं नमाज अदा कर लूँ। और जो लोग अभी नमाज जिनका वक्त नहीं है वो जरा सोचें कि अगर ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज ही रहेगा या कुछ और होगा? मुझे 5 मिनट दीजिएगा नमाज के लिए।
लाहौर तो थी आए कल्ला लाहौर तो भी थी आए कल्ला
जी लेट्स स्टार्ट अगेन। जो हम बात कर रहे थे ये ट्रेडिंग बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में थी। सो व्हाट इफ अगर हमारा बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो क्या ऐसी सूरत हाल के अंदर भी हम चीज़ें परचेज करके सेल करेंगे? तो जवाब नो में है। ऐसी सूरत हाल के अंदर हम चीज़ें परचेज करके सेल करने की बजाय वी विल बी गोइंग टू सेल इट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ये था
क्या आपने गुड्स को बाय करना है और सेल करना है आफ्टर ऑल्टरेशन। तो ऐसी सूरत हाल में ये मैंने आपके सामने लिखा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री में आप प्लस कर रहे थे कॉस्ट ऑफ परचेजेस या कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड, और गुड्स अवेलेबल फॉर सेल की कॉस्ट बनती थी और गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे अगर तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनेगा। तो ये बड़ा आसान काम था कि जितने की गुड्स आपने परचेज की हैं, अभी मुख्तलिफ लोग बात कर रहे थे नेट परचेजेस वगैरह, तो मैंने इसलिए ये वर्ड कॉस्ट ऑफ परचेजेस लिखा। ये नेट परचेजेस ही हैं लेकिन परचेजेस प्राइस के अलावा बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो उस गुड्स को प्रेजेंट लोकेशन तक लाने के लिए इनकर होते हैं, तो वो कॉस्ट ऑफ परचेजेस में ही शामिल होते हैं, जिन्हें शायद आप अपनी ज़ुबान में डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, जैसे कुछ कैरेज या ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होती है, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस होते हैं, अगर आप माल इंपोर्ट करते हैं तो शायद आपको उस पर ड्यूटीज़ भी देनी पड़ती हैं, सम टाइम आपको इंश्योरेंस भी कराना पड़ती है, जैसे आप मरीन इंश्योरेंस कह रहे हैं, तो ये सारी कॉस्ट जो हैं वो अल्टीमेटली उन गुड्स परचेज की कॉस्ट में ही शामिल होती हैं, तो इसलिए ये ब्रॉडर टर्म यूज़ की गई परचेजेस की बजाय कॉस्ट ऑफ परचेजेस, तो ये ऐड कर लिया जाता है। सो अगर हम यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं तो ये जो टर्म लिखी हुई है कॉस्ट ऑफ परचेजेस, ये कॉस्ट ऑफ परचेजेस की जगह फिर जो टर्म आनी चाहिए वो आनी चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी आप चीज़ें बना के बेचेंगे ना कि परचेज करके बेचेंगे। तो अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का प्रॉफिट पता करना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का प्रॉफिट पता करने के लिए आपको सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करनी है, तो गुड्स सोल्ड की कॉस्ट माइनस करने के लिए पहले गुड्स सोल्ड की कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगी, एंड इफ़ इट इज़ ट्रेडिंग बिजनेस तो आप ओपनिंग इन्वेंट्री में गुड्स परचेज की कॉस्ट ऐड करेंगे और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू माइनस करेंगे तो गुड्स सोल्ड की कॉस्ट बनेगी। बट ऑन द अदर साइड अगर ये एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो फिर आपको ओपनिंग इन्वेंट्री में गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की कॉस्ट को ऐड करना पड़ेगा, तो फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट। और मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट होती है ये अभी आपके सामने है, बट जनरली हमने जो लास्ट टाइम चीज़ें पढ़ी थी उसमें हमने कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के तीन एलिमेंट्स हैं, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो तीन चीज़ों से मिलकर बन रही थी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात हो रही है। अगर हम तीनों चीज़ों को सम अप करते हैं तो इट विल कॉल्ड एज टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ही यही तीनों एलिमेंट्स थे। तो मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज़ की है पहले कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज़, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये ज़रूरी नहीं है कि जितना भी रॉ मटेरियल जिसे आप कह रहे थे, इंग्रेडिएंट्स जिसे आप कह रहे थे, जितने आप बाय करें वो सारे के सारे उन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ हो गए हों। कुछ ऐसा भी इंग्रेडिएंट्स या रॉ मटेरियल होगा विच इज़ लेफ्ट अनयूज्ड विद अस, तो हम जो चीज़ें बन गई हैं अगर उसकी कॉस्ट पता करना चाहते हैं तो उसके अंदर जितना मटेरियल यूज़ हुआ उसकी कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे इंस्टेड कि उसकी कॉस्ट हो के हमारे पास मटेरियल बचा पड़ा है। तो गोइंग अहेड अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पता करनी है तो हमें इन तीन चीज़ों को लेके चलना है, बट इससे पहले पर हमें कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड कैलकुलेट करना पड़ेगी, और वो किस तरह से कैलकुलेट होगी ये अगेन तरीकाकार तो लिखा हुआ है लेकिन हमें लॉजिक अगेन पता होनी चाहिए। अगर कोई बिजनेस आज स्टार्ट हुआ है तो इसके पास डेफिनेटली देर इज़ नो इन्वेंट्री एट ऑल, ना वो गुड्स की है और ना ही वो मटेरियल की है। जितनी कॉस्ट का मटेरियल हम बाय करेंगे, लाइक अगर हम 1000 का मटेरियल बाय करते हैं और ये सारे का सारा यूज़ हो जाता है, तो जितनी कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड है उतनी ही कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड भी होगी। लेकिन अगर आप जितना परचेज करते हैं वो सारे का सारा यूज़ नहीं होता, there is some material which is left unused, जो कि यूज़ नहीं हुआ, तो वो मटीरियल की इन्वेंट्री है जो हमें फ्यूचर में यूज़ करनी है। तो अगर हम मटीरियल यूज़ की कॉस्ट पता करना चाहते हैं तो प्रॉबेबली जो मटीरियल हमने परचेज किया उसकी कॉस्ट के अंदर से हमें जो मटीरियल हमारा बच गया यूज़ नहीं हुआ वो माइनस करेंगे तो हमें मटीरियल यूज़ की कॉस्ट मिलेगी। लाइक इस एग्जाम्पल के मुताबिक
अगर हमने बाय 1000 का किया है और 200 का हमारे पास बच गया है तो जो मटेरियल यूज की कॉस्ट है वो 800 है, एंड दिस विल बी डिप्लॉयड वाइल कैलकुलेटिंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और अगर बिजनेस ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है हमारा और लाइक आज जो हमारे पास बचा है वो कल सुबह में हमारे पास अवेलेबल होगा, हम उस रॉ मटेरियल को भी यूज़ करेंगे और कुछ और रॉ मटेरियल भी बाय करेंगे, तो लाइक हमारे पास जो आज बचा वो 200 का है, हमने जो बाय किया वो 1500 का है और 1700 का मटेरियल हमारे पास टोटल हो गया, इसे मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ कहा जा रहा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच कैन बी यूज्ड। अगेन बाय द डे एंड फर्स्ट कर लें हमारे पास कुछ मटेरियल यूज नहीं हुआ तो जो नहीं हो सका हम उस मटेरियल को इसमें से माइनस कर देते हैं टू आइडेंटिफाई टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज जितना यूज होगा वो लाइक हमारी एग्जांपल में 1300 है। सो प्राइमरली हम लिंक कर रहे हैं, मैं दोबारा यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करनी है एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की तो फर्स्टली वी नीड टू नो द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पता करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से ही गुड्स मैन्युफैक्चर होती हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो इनकर हो रही है उसमें पहला इंग्रेडिएंट जो है, पहला जो कंपोनेंट है, जो पहला एलिमेंट है वो इंग्रेडिएंट्स या रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, तो जितना परचेज किया गया रॉ मटेरियल उसकी बात नहीं करेंगे हम, जितना यूज हो गया तो फर्स्टली वी नीड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज, ये हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज कैलकुलेट की है एंड दैट विल बी रिपोर्टेड हियर। लाइक मेरी मिसाल में ये 1300 है सपोज कर रहा हूँ। अब ये रॉ मटेरियल तो इतना यूज हुआ एक टेबल एक चेयर जो भी हम बना रहे हैं उसके लिए, बट उसको बनाने के लिए वी हैव पेड समथिंग टू द वर्कर, जो वर्कर को पे किया है फर्ज कर लेते हैं वो 1000 है, और वर्कर को 1000 देने के अलावा और भी हमारे एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, बिजली का बिल है, सुपरवाइजर की सैलरी है, आपकी मशीनों की जो प्रोडक्शन जो इंस्ट्रूमेंट या टूल्स हैं उनकी डेप्रिसिएशन है, फैक्ट्री का रेंट है, रिपेयर मेंटेनेंस है एंड ऑल दैट, इसकी एक लंबी लिस्ट है, हम फर्ज कर लेते हैं कि उन तमाम एक्सपेंसेस का टोटल 1200 है, तो वी कैन से कि हमारी जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर हुई है वो 3500 है। ये 3500 की जो गुड्स की कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये गुड्स मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट ही है अगर हमारे पास कुछ भी इनकम्प्लीट हालत में नहीं बचा, जितनी हमने चीज़ें बनाई जितनी बनाना शुरू की डे स्टार्ट पे वो सारी की सारी चीज़ें बाय द डे एंड हम मैन्युफैक्चर कर चुके हैं, तो जितनी भी ये कॉस्ट है जो मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़ के लिए लगी है इतने से ही चीज़ें बन गई हैं मैन्युफैक्चर हो गई हैं, यू कैन से दैट कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की कॉस्ट है। व्हाट इफ अगर ऐसा हो कि हमने जो चीज़ें बनाना शुरू की हैं वो डे एंड पे सारी की सारी कंप्लीट नहीं हुई, और अगर वो डे एंड पे सारी की सारी कंप्लीट नहीं हुई तो हम उसको अपनी ज़ुबान में इनकम्प्लीट गुड्स या वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। ये वर्क इन प्रोसेस इनकम्प्लीट चीज़ें हैं जो बाय द एंड, अगर मैंने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लिखा है तो इसका मतलब वो चीज़ें हैं जो डे एंड पे हमारे पास इन प्रोसेस बच गई हैं इनकम्प्लीट हैं और हमने इनको भी ऑनवर्ड कंप्लीट करना होगा नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट डे पे। फर्ज कर लेते हैं कि 500 की चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैन्युफैक्चर नहीं हो सकी, हमने कॉस्ट 3500 लगाई टू मैन्युफैक्चर द गुड्स, लेकिन 500 की चीज़ें उसमें से मैन्युफैक्चर ये उनकी कॉस्ट है जो मैन्युफैक्चर नहीं हो सकी, मैन्युफैक्चर से मुराद कंप्लीट फाइनल शेप में आ गई बट वी वॉन्ट टू प्रोड्यूस वो बन गया, और अगर वो उस तरह से नहीं बन पाया तो इसका मतलब वो इनकम्प्लीट चीज़ें हैं, तो जो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की कॉस्ट है वो 3000 होगी, यानी गुड्स मैन्युफैक्चर हुई 3000 की, मैन्युफैक्चर करने के लिए जो पैसे लगाए हमने वो 3500 थे लेकिन उसमें से 500 की चीज़ें हार्डली जो ऐसी हैं जो इनकम्प्लीट पड़ी हुई हैं, तो हमने वो 3000 की गुड्स मैन्युफैक्चर हुई हैं और इन्हीं को हम फर्दर फिर सेल करने की बात करेंगे।
लेकिन अगर बिजनेस हमारा ऑलरेडी चल रहा है तो देर इज अ चांस कि हमारे बिजनेस के अंदर कोई इन्वेंट्री ऑलरेडी ओपनिंग इन्वेंट्री के कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट, जैसे मैंने आज कहा कि हमारे पास क्लोजिंग पीरियड पे डे एंड पे कुछ इनकम्प्लीट चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो लाइकवाइज कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जब ये कंप्लीट हो पीरियड, तो कंप्लीट हो जाने के बाद अगले दिन यही चीज़ें हमारे पास इनकम्प्लीट मौजूद और हम इनको भी स्टार्ट करें। लाइक मैं ये कह रहा हूँ कि 500 की चीज़ें जैसे लास्ट डे के एंड पर बची, हमने 3500 की कॉस्ट आज लगाई है और 500 की कॉस्ट ऑलरेडी लगी हुई इनकम्प्लीट चीज़ें हमारे पास पड़ी हैं, तो ये टोटल 4000 की चीज़ें हैं विच वी कैन मैनुफैक्चर। और लेट सपोज के 700 की चीज़ें ऐसी हैं फिर आज के दिन के इख्तिताम पर जो बन नहीं सकी, तो हमारे पास जो चीज़ें बनी हैं उनकी कॉस्ट 3300 होगी। ये 3300 कॉस्ट है उन गुड्स की जो मैन्युफैक्चर हुई हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3300 की गुड्स मैन्युफैक्चर हुई हैं, अगर डे एंड पे अगेन कुछ चीज़ें हम सेल नहीं कर सके, लाइक 500 की चीज़ें हम सेल नहीं कर सके, तो 2700 की वो गुड्स हैं जो हमने सेल कर दी हैं। बट अगर ये बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है तो हमारे पास कुछ और भी इन्वेंट्री में चीज़ें पड़ी होंगी। अब मैं यहाँ पे रीनेम कर रहा हूँ इन्वेंट्री को फिनिश गुड्स, या इन्हें हम गुड्स इन्वेंट्री के नाम से जानते हैं। हमारे पास जो फिनिश हो के कंप्लीट हो के मैन्युफैक्चर हो के चीज़ें आज के दिन के एंड में जैसे बची हैं 500, तो कल हमने इनको भी बेचना है और जो चीज़ें हम बनाएंगे उनको भी बेचना है। तो लाइक 3300 की चीज़ें बनी हैं आज के दिन में, 500 की कल बन के एंड पे सेल नहीं हो सकी थी वो भी पड़ी हुई हैं, तो टोटल हमने 3800 की गुड्स ऐसी हैं जिनको सेल करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और अगेन जो चीज़ें सेल नहीं हो सकें जिसे क्लोजिंग इन्वेंट्री, अब मैं इसके साथ वर्ड ऐड कर रहा हूँ फिनिश गुड्स, वो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री लेट्स सपोज हमारे पास 300 की है जो कि नहीं सेल हो सकी चीज़ें, तो 3500 की गुड्स वो हैं जो कि सेल हो गई हैं, और ये गुड्स हमारी गुड्स सोल्ड की कॉस्ट है। और अगर हम प्रॉफिट पता करना चाहते हैं तो ये यहाँ पर रिपोर्ट होगी 3500, और सेल प्राइस जो भी है फर्ज कर लें 5000 है, तो हमारा प्रॉफिट इस तरह से कैलकुलेट होगा। ये एक फ्लो ऑफ कॉस्ट है कि अगर हम एक बिजनेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट पता करते हैं, तो उसमें वैल्यूज कहाँ से रिपोर्ट होती हैं। सो इस सारी डिस्कशन के अंदर जो हमें चीज़ समझ आई है वो ये है कि इफ़ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ अ मैनुफैक्चरिंग बिजनेस, तो वट वी नीड टू डू, वी नीड टू कैलकुलेट फर्स्टली द कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रेवेन्यू में से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आइडेंटिफाई होगा। बट बिफोर दैट अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैनुफैक्चरिंग बिजनेस में गुड्स परचेज की कॉस्ट नहीं बल्कि मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट या गुड्स मैनुफैक्चर्ड की कॉस्ट का पता होना चाहिए। सो वी नीड टू कैलकुलेट फर्स्टली द गुड्स मैनुफैक्चर्ड कॉस्ट, और गुड्स मैन्युफैक्चर्ड करने की कॉस्ट में चूँकि मटेरियल की कॉस्ट शामिल है, तो पहले हमें मटेरियल यूज़ की कॉस्ट का पता होना चाहिए और वो हमने कैलकुलेट किया। यहाँ से हमने मटेरियल यूज़ में डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को और जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स अदर देन डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, जो भी एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इनकर हुए हैं, उन सब का सम टोटल जो है दिस इज़ कॉल्ड एज टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और अगर हमारे पास कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट पड़ी हुई थी ऑलरेडी, जिसे हम वर्क इन प्रोसेस कहते हैं, उसको इसमें ऐड अप करेंगे तो ये वो गुड्स अवेलेबल हैं विच वी कैन मैन्युफैक्चर नाउ, और इसमें से क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की वैल्यू माइनस करेंगे तो वी कैन कम अप विद कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। मैं ये सारा फ्लो आपके सामने दोबारा शो करता हूँ, बट यहाँ से जो हमें बातें पता चली हैं कि इन्वेंट्री अब प्राइमरली इन्वेंट्री अब आपकी तीन तरह की है। अगर एक ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर बात करेंगे तो इन्वेंट्री की टाइप सिर्फ एक ही है जिसे आप गुड्स इन्वेंट्री के नाम से जानते हैं, लेकिन अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर इन्वेंट्री आपके पास रॉ मटेरियल की भी है। रॉ मटेरियल जिसको आपने बाय किया और आपने इसको ऑल्टर करके सेल करना है, जब आप ऑल्टर करके जो गुड बना लेते हैं उसे आप फिनिश्ड गुड्स के नाम से याद करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ज़रूरी नहीं आप उसे गुड्स भी कह सकते हैं, बिकॉज हम जो चीज़ बना रहे हैं वो हमारे पर्सपेक्टिव में फाइनल प्रोडक्ट है,
कोई और हो सकता है उसको बाय करके एज अ रॉ मटेरियल यूज करता हो. फॉर एग्जांपल एक राइस मिल जो होती है जहाँ पे राइस जो है वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो वो जो राइस मिल है वो राइस कच्चे जैसे आप कह रहे हैं वो प्रोड्यूस करती है, तो उसकी वो फिनिश प्रोडक्ट है. बट एक रेस्टोरेंट वाला, एक होटलिंग इंडस्ट्री वाला उस राइस को बाय करता है लेकिन वो कच्चे राइस नहीं बेचता, ही इज़ गोइंग टू सेल समथिंग एल्स. वो कुछ और बेच रहा है, कुछ प्रोडक्ट बना के बेच रहा है, वो कुक्ड राइस हैं, वो बिरयानी है, वो समथिंग एल्स, तो उसके लिए वो रॉ मटेरियल के तौर पैक करेगा. बट चूँकि हम अपने बिजनेस के परस्पेक्टिव में सोचेंगे तो हमारे लिए शायद वो फिनिश प्रोडक्ट ही है, इसीलिए हम उसको समटाइम्स फिनिश गुड्स भी कह सकते हैं, गुड्स इन्वेंट्री भी कह सकते हैं, इट्स इक्वली लाइकली. सो इसका मतलब ये है कि अगर चीज़ें हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एज इट इज़ पड़े हुए हैं तो वो रॉ मटेरियल हैं, अगर वो इंग्रेडिएंट्स कन्वर्टेड शेप में व्हाट वी वांट टू सेल उस शेप में पड़े हुए और अनसोल्ड आइटम्स हैं तो उसे हम फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कहेंगे. बट देयर आर चांसेस कि हमारे पास रॉ मटेरियल जिसे हम इंग्रेडिएंट्स कह रहे हैं वो रॉ मटेरियल के शेप में नहीं पड़ा हुआ और ना ही वो फिनिश प्रोडक्ट की शेप में पड़ा हुआ है, रादर उस पर कुछ काम हो चुका है. जैसे हम अगर फर्ज कर लें फर्नीचर बनाने का ही बिजनेस कर रहे हैं और हमने लकड़ी बाय की है, वो लकड़ी एज इट इज हमारे पास पड़ी हुई तो वो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है. हमने चेयर्स बना ली हैं और वो अभी बिक नहीं पाई और वो हमारे पास पड़ी हुई तो वो फिनिश प्रोडक्ट या फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है. बट देर आर चांसेस कि हमने उस लकड़ी को उस चेयर बनाने के लिए जो डिफरेंट शेप्स है उसमें कट कर लिया है लेकिन अभी असेंबल नहीं कर पाए, या असेंबल कर लिया है लेकिन हमने उसको अभी फिनिश नहीं कर पाए, पेंट पॉलिश नहीं हो पाया, तो ऐसी सूरत हाल में वो हमारी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है जो अभी चीज़ हमारी कंप्लीट नहीं हुई. तो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर इन तीन तरह की इन्वेंट्रीज का सामना करना पड़ता है. सो मैं इसको फाइनल शेप में आपके सामने शो करता हूँ और उसके बाद आपके सवाल लेता हूँ. कुछ लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं, ये डिस्कशन क्यों हो रही है, ये जो हमारे अगले दोनों टॉपिक हैं उनसे पहले ये ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें. वंस वी अंडरस्टैंड दैट तो फिर हम उसको बड़ी आसानी से अगले दोनों टॉपिक में डिस्कस कर सकते हैं. सो मैंने इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट फॉर्मेट में आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है. दोबारा ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स, इसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस्ड एड अप करेंगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ बनेगा. मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज भी दोबारा लिखता जाता हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ फार्मूलाज भी ऐड किए हुए हैं तो आपको ज़रा समझने में आसानी हो जाएगी. हमने 10,000 का मटेरियल बाय किया है, 10,000 का मटेरियल हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था. 50,000 का हमने मटेरियल बाय किया है, हमारे पास मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज 60,000 का है. और लेट्स सपोज 5,000 का मटेरियल ऐसा है जो हम यूज़ नहीं कर पाए तो हमारे पास जो हम यूज़ नहीं कर पाए वो 5,000 का है, तो जो मटेरियल यूज़ हो गया हमारा वो 55,000 का है. या है वो आप लोग समझ पा रहे हैं इस बात को. अब अगर ये मटेरियल हमारा यूज हो गया है 55,000 का तो वी नीड टू ऐड अप डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट हमें इसमें ऐड करनी पड़ेगी. मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 25,000 की हमारी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है, अज्यूम कर रहा हूँ कि 40,000 के हमारे अदर देन डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अलावा जो फैक्ट्री में एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं वो 40,000 के हैं, तो इन सब का टोटल जो है वो 120,000 बनता है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. जो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है इनकम्प्लीट, हमने उनको भी मैन्युफैक्चर करना है इस पीरियड में, और जो कॉस्ट अब हम इनकर कर रहे हैं इससे भी चीज़ें बनानी है. तो जो ऑलरेडी इन प्रोसेस इन्वेंट्री है, इसका एक्रोनिम भी मैंने लिखा हुआ है, WIP भी कहते हैं इसको, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की शेप में हमारे पास अज्यूम कर रहा हूँ 10,000 की चीज़ें पड़ी हुई हैं. 120,000 की कॉस्ट हमने अभी लगाई है इस साल के अंदर, तो हमने 130,000 की गुड्स ऐसी हैं अवेलेबल हैं जिनको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. अज्यूम करते हैं कि 8,000 की चीज़ें मैन्युफैक्चर नहीं हो सकें तो 122,000 की चीज़ें मैन्युफैक्चर हुई हैं. अगर हमने जितनी मैन्युफैक्चर की हैं वो सारी की सारी ही सेल कर दी हैं
122,000 की 122,000 सेल कर दिए तो 122,000 ही हमारी गुड सोल्ड की कॉस्ट है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ओपनिंग इन्वेंट्री में चीज़ पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल लास्ट पीरियड में कुछ चीज़ें मैन्युफैक्चर हुई थी और हम सेल नहीं कर पाए थे, अगर वो पड़ी हुई है हमारे पास, अज्यूम करता हूँ 15,000 की पड़ी हुई हैं, तो 137,000 की गुड्स ऐसी हैं विच वी कैन सेल ऑफ, जिनको हम बेच सकते हैं। और अगेन अज्यूम करते हैं कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सेल नहीं हो पाई, फर्ज कर रहे हैं 12,000 की, तो हमारी जो गुड्स सोल्ड की कॉस्ट है वो 125,000 है। ये गुड्स सोल्ड की कॉस्ट अगर हमारे पास होगी तो वी कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट। मैंने ये कुछ लिंक लगाए हुए हैं, 125,000 की वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जो अभी मैंने कैलकुलेट की है। और इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सेल्स में से माइनस करना है। मैं अज्यूम करता हूँ कि मैंने जो चीज़ें बेची हैं वो 200,000 की बेची हैं, जो कि असल में मुझे गुड्स जो सेल की उनकी कॉस्ट हमें जो खुद में वो कॉस्ट कर रही थी वो 125,000 है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है 75,000 है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जिसमें सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, उनकी डिटेल होती है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि फर्ज कर लें उसका जो टोटल हमें एक्सपेंसेस फेस करना पड़े हैं वो 30,000 है, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 45,000 है। एंड वी कैन गो अहेड, हम इससे भी आगे जा सकते हैं। ये अगेन जो अभी मैंने आगे बात शुरू करने लगा हूँ उससे पहले कुछ थोड़ा सा डिटेल एलैबोरेशन है। यही चीज़ें हम ब्रेक इवन एनालिसिस और अगला जो टॉपिक है हमारा मार्जिन और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का उसमें भी रेफर होंगी, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में इनको बयान किया है। बिफोर गोइंग अहेड लेट मी रिस्पॉन्ड टू योर क्यूरीज, जिनका सवाल कुछ लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं, बट अगर किसी और का भी क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर लें, आई विल आस्क देम टू आंसर द क्वेश्चन। सबूर आप अपना सवाल पूछ लें, शाहिद उल हसन है, अहमद फैज़ान, मैंने उनको अनम्यूट कर दिया जी, आप सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जेंटलमैन। वर्क इन प्रोसेस जो है इसकी इन्वेंटरी की कॉस्ट हम कैसे मालूम करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। आप इससे पहले आपने कहीं कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग नामी कुछ चीज पढ़ी हुई है? जी सर पढ़ी हुई है। ओके कोई प्रोसेस कॉस्टिंग नामी चीज याद है जिसमें आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जी सर बनाते तो हैं सर। जी चलें मैं अभी आपसे समझूंगा नहीं, लेकिन आपको अगर याद है थोड़ा बहुत तो मैं सिर्फ रेफर करने के लिए बता रहा हूँ आप, ठीक है जी? अगर आप याद कर सके तो उसमें जो लास्ट सेगमेंट होता है उसमें आप कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स भी निकालते हैं और कॉस्ट ऑफ इनकम्प्लीट यूनिट्स भी निकालते हैं जो इन प्रोसेस होते हैं, एम आई राइट? जी जी सर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो वो जो इन प्रोसेस यूनिट्स की वैल्यू वहां पे निकाल रहे हैं वही हमारी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की कॉस्ट है। ठीक है, अभी ये सारी चीजें जो कि हम मतलब एक सवाल वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास ये सारी चीजें स्टेटमेंट फॉर्म में इंफॉर्मेशन लिखी होती है, हम सिर्फ प्लस माइनस कर लेते हैं। आपका अच्छा सवाल है, इसलिए इसको प्रैक्टिकल चीजों से जो आपने कुछ और भी पढ़ी में रिलेट कर लें तो ज्यादा आसान हो जाएगा। मैंने इसलिए रिलेट किया कि जब आप वो स्टेटमेंट बनाते थे, वो रिपोर्ट बनाते थे, उसमें आप गुड्स कंप्लीट कितनी हुई उनकी कॉस्ट में निकालते थे और जितने इनकम्प्लीट यूनिट्स है उनकी कॉस्ट में निकालते थे, तो टेक्निकली वो जो इनकम्प्लीट यूनिट्स की कॉस्ट है वही आपकी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की कॉस्ट है। समझ आ रही है जी बात? जी सर समझ आई है। चलो दैट्स ग्रेट जी। कोई और सवाल है किसी का? सबूर आपका सवाल था पहले, आप अपना अगर समझ आ गया तो जी दैट्स फाइन। आप अपना अगर खुद ही हैंड ओवर कर लें तो थैंक यू वेरी मच जी। अहमद फैजान आप सवाल कर सकते हैं जी। अहमद फैजान, शाहिदुल हसन, सुहेल, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जेंटलमैन। सर वर्क इन प्रोसेस वाला ये थोड़ा प्रोसीजर अगर दोबारा समझा दें तो ये थोड़ा मैं दोबारा बता देता हूँ और मैं यहीं पे अब जो क्यूमुलेटिव बना है इसमें से बता देता हूँ। जी जी मेरे साथ रहिएगा। यहाँ तक हम समझ गए हैं बात कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, फाइन? यस सर। ठीक है, जो मटेरियल यूज किया उसकी कॉस्ट, जो लेबर को हमने पैसे दिए उसकी कॉस्ट, और उसके अलावा ये जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लिखा है, मैं दोबारा बोल देता हूँ, ये किसी एक एक्सपेंस का नाम नहीं है, ये ओवरहेड्स की बात हो रही है। ठीक है, लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस उन तमाम का टोटल करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है 40,000 है, फाइन।
अब यहाँ पे पहले रुक जाते हैं, 120,000 की कॉस्ट है, ठीक है? Yes, इनसे मैंने चीजें मैन्युफैक्चर करनी है, मैं अज्यूम करता हूँ मेरे साथ रहना है कि मेरे पास कोई चीजें इनकम्प्लीट ना साल के शुरू में पड़ी हुई है और ना साल के एंड पे कुछ चीजें इनकम्प्लीट है। जी सर। तो मैंने जो कॉस्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए इनकर की है उसके नतीजे में कोई इनकम्प्लीट यूनिट मेरे पास नहीं बचा, सारे कंप्लीट हो गए, सारे ही मैन्युफैक्चर हो गए। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है टोटल है वही मेरी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की कॉस्ट है। ये बात समझ आती या नहीं आती? जी सर आ गई सर। ओके अब यहाँ पे रुक जाएं। ठीक है। अगर मेरी चीजें 120,000 से मैंने चीजें बनाना शुरू की, दिन एंड हुआ, दिन एंड होने में मुझे पता चला कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल परफेक्टली कंप्लीट हैं, अब अभी सेल कर सकते हैं हम। जी सर। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो अभी इनकम्प्लीट है, जैसे अभी चेयर्स बनाने की बात हो रही थी, वो चेयर बन तो गई है लेकिन पॉलिश रहती है अभी, कोशिश रहती है उसकी अभी, तो हम वो सेल तो नहीं कर पाएंगे ना, हम उसको कंप्लीट प्रोडक्ट कह पाएंगे, उसको गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी नहीं कह पाएंगे। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का मतलब तो फिनिश गुड्स हैं, यानी फिनिश प्रोडक्ट है। अगर वो नहीं सेल कर सकते और वो इनकम्प्लीट पड़ी हुई है और हमने सिर्फ उनकी वैल्यू निकालनी है जो कंप्लीट हो गई हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, जितनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी है इसमें से जो चीजें इनकम्प्लीट है उसकी वैल्यू माइनस कर दें। माइनस कर दें। जी सर। चलिए जी सर, मैं दोबारा लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे 8,000 लिखा हुआ था पहले, ये मैंने माइनस कर दिया। ठीक है सर। ठीक है, तो इसका मतलब 120,000 रुपए मैंने लगाए और 8,000 की चीजें नहीं बन पाई, खज्जल हो रही हैं, ये अगले पीरियड में कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन 112,000 रुपए की मेरी चीजें बन गई हैं। फाइन, बन गई। अब ये जो अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं, अभी जो 8,000 की चीजें बची हैं, अगला दिन चढ़ेगा तो हम इनको जल्दी से माचिस पकड़ेंगे और आग लगा देंगे। जी सर। ऐसे ऐसे करेंगे या नहीं करेंगे बताएं? अगले दिन। जी सर। अगले दिन हम ये 8,000 की चीजें जो इनकम्प्लीट थी, चेयर्स जो पे पॉलिश रहती थी और पोशिश रहती थी, अगला दिन आएगा तो हम उनको कंप्लीट नहीं करेंगे, एक माचिस की तीली पकड़ेंगे और आग लगा देंगे। ऐसे ही करेंगे? नहीं सर, अगले दिन शुरू कर देंगे जो पोशिश रहती है, तो अगले दिन। ठीक है, अगले दिन करेंगे सर। मैंने आपसे पहले पूछा था कि आग लगा देंगे, आपने कहा था बिल्कुल लगा देंगे, तो नहीं आग नहीं लगाएंगे मेरे दोस्त, हम अगले दिन उनको भी कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करेंगे जी सर, कंप्लीट करेंगे उनको, उनको भी करेंगे, और जो कुछ और चीजें नए सिरे से शुरू करेंगे उनको भी पूरा करेंगे। हाँ या ना? जी सर। जी सर बिल्कुल करेंगे। जी मैंने सर। फर्ज किया था कि जो लास्ट दिन के एंड पे मेरे पास यहाँ पे 10,000 की चीजें थी जो इनकम्प्लीट पड़ी हुई थी, अब अगला दिन आया, मैंने इन 10,000 वाली चीजों को भी कंप्लीट करना है, और जो अभी मैंने 120,000 रुपए का मटेरियल इस्तेमाल किया है, लेबर को पैसे दिए हैं, ओवरहेड्स लगाए हैं, इनसे भी चीजें बननी है। ऐसे ही इनसे भी? जी सर बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो इसका मतलब जो गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग है मेरे पास उन पे अब तक कितने पैसे लग चुके हैं मैं? 130,000। 130। यस सर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अवेलेबल है, यानी इनको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इतने पैसे लग चुके हैं। इसमें से अगेन फिर 8,000 की चीजें मैन्युफैक्चर नहीं हो पाई तो 122,000 की मैन्युफैक्चर हुई, ये मेरी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की कॉस्ट है। इज दैट क्लियर? जी सर, ये मैन्युफैक्चरिंग हो मैन्युफैक्चर्ड हो गई है 122। ये देख रहे हैं, ये वैसे भी अगर इंग्लिश को भी समझे तो पास्ट टेंस है, मैन्युफैक्चर्ड सर, ये बन चुकी हैं। जी सर, अब हम इनको सेल कर सकते हैं। अगर ये सारी की सारी सेल हो जाएं, अगर ये जितनी मैन्युफैक्चर हुई है सारी सेल हो जाएं, तो बताएं गुड्स सोल्ड की कॉस्ट कितनी होगी? गुड्स सोल्ड कॉस्ट सेम होगी सर। सेम होगी, शाबाश। ये मैंने पहली लेक्चर के शुरू में भी ये सवाल पूछा था, अब भी। तो हमें ये रट्टा नहीं लगाना कि ये जमा करेंगे, ये माइनस करेंगे, वो माइनस करेंगे, ये जमा करेंगे। हमें लॉजिक पता होनी चाहिए कि अगर गुड्स मैन्युफैक्चर हुई है और उनमें से कुछ भी नहीं से बचा हमारे पास, इसका मतलब जितनी मैन्युफैक्चर हुई है उतनी गुड्स सोल्ड की कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जी सर। ठीक है, अगर मैं फर्ज करता हूँ, मेरे साथ रहिएगा, अब आपने जवाब देना है। मैं फर्ज करता हूँ कि हमारा बिजनेस है, उसमें ना तो कोई वर्क, ये जो अभी हमारे सामने एग्जांपल लिखे मैंने इसी को ध्यान में रखे, वैल्यूज भी यही। जी जी सर। ठीक है, हमारे बिजनेस के अंदर कोई वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंटरी नहीं है, ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है,
ना हमारे बिजनेस में कोई फिनिश गुड्स इन्वेंटरी है, मीन ना कुछ बन के बचा, हमने सब सेल कर दिया। मुझे बताएंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर होगी? 1,20,000 के बराबर होगी सर। शाबाश, 1,20,000 असल में क्या है? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है सर। अगर मेरे पास कोई है इन इसी टॉपिक से रिलेटेड, जो चैप्टर 2 आपकी किताब से, इससे रिलेटेड किताब के अंदर भी प्रैक्टिस मौजूद है, मैं कुछ ग्रुप के वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, अगर आप ज्यादा चीजें बनाएं और ज्यादा कॉस्ट इनकर हो और कम चीजें बनाएं तो कम कॉस्ट इनकर हो, ऐसी कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। और अगर ऐसी कॉस्ट विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ज्यादा चीजें बनाएं कम बनाएं, ज्यादा एक्टिविटी लेवल हो कम एक्टिविटी लेवल हो और उसमें चेंज नहीं आता, उसे हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक फैक्ट्री का आपकी बिल्डिंग जो है वो रेंटेड है, आपने फैक्ट्री की बिल्डिंग अगर रेंट पे ली हुई है तो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो रेंट ज्यादा पे करना पड़ेगा, कम प्रोडक्शन करेंगे और कम रेंट पे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। आपकी प्रोडक्शन चाहे जीरो ही क्यों ना हो, यू नीड टू पे द रेंट, जो भी है आपका रेंट है वो आपको पे करना पड़ेगा। ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो भी उतना ही रेंट पे करना पड़ेगा, कम प्रोडक्शन करेंगे तो भी उतना ही रेंट पे करना पड़ेगा। तो वो कॉस्ट जो नेचर वाइज वेरी करती है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, उसे हम वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जानते हैं। और वो कॉस्ट जो चेंज नहीं होती, कॉन्स्टेंट रहती है विद द लेवल ऑफ आउटपुट, उसे हम फिक्स कॉस्ट के नाम से जानते हैं। अब अभी हमने जो बातें की हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं। हमने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी तीन तरह की है। अब वो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है मैं वो दोबारा लिख देता हूँ। हमने कहा था एक डायरेक्ट मटेरियल है, ओके, डायरेक्ट मटेरियल है, फिर हमने कहा था डायरेक्ट लेबर है, और फिर हमने कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। हमें पता होना चाहिए इसमें से कौन सा वेरिएबल कॉम्पोनेंट और कौन सा फिक्स। ओके, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, अगर आप एक चीज बनाते हैं, एक चेयर बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं, तो उस पर जितनी लकड़ी लगती है उसी लकड़ी के अंदर आप दो बना लेंगे, तीन बना लेंगे, चार बना लेंगे, तो जवाब नहीं में है। अगर आप ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करेंगे, अगर आप ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करेंगे तो लकड़ी भी ज्यादा इस्तेमाल होगी, कम बनाएंगे तो कम इस्तेमाल होगी। इसका मतलब अगर हम समझना चाहेंगे ये वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स, तो हमें नेचर डेफिनेशन जो हमने अभी बिल्ड की है वो ये है कि अगर कॉस्ट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एक्टिविटी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चेंज होती है, ज्यादा होने से ज्यादा और कम एक्टिविटी लेवल या कम प्रोडक्शन होने से कम हो जाती है, तो उसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो प्राइमरली कि जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो वर्कर आपसे काम के पैसे लेता है, आप उसे कहें एक चेयर बनानी है भाई कितने पैसे लोगे, वो 1,000 रुपया कहे तो वो 1,000 के अंदर दो नहीं बनाएगा, तीन नहीं बनाएगा, वो हजार हजार हर चेयर के लिए एक्स्ट्रा लेगा। तो उसका मतलब ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो लेबर को भी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, कम प्रोडक्शन करेंगे तो कम देने पड़ेंगे। तो टेक्निकली ये भी हमारी फिर वेरिएबल कॉस्ट है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हम लिखते हैं ये किसी एक एक्सपेंस का नाम नहीं है, ये लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस है। हम देखते हैं कुछ एक्सपेंसेस, चलें जैसे अभी हम बात कर रहे थे फैक्ट्री रेंट है आउट ऑफ दिस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड तो हमारा ब्रॉडर कैटेगरी है, इसमें जो फैक्ट्री रेंट है, इस फैक्ट्री रेंट के अंदर जो रेंट है ये ज्यादा प्रोडक्शन करने से ज्यादा और कम प्रोडक्शन करने से कम नहीं हो जाता बल्कि कॉन्स्टेंट रहता है, तो इसे हम फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात करें तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का ताल्लुक, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतनी ज्यादा मशीनें इस्तेमाल होंगी, उतनी ज्यादा रिपेयर करवा का एक्सपेंस इनकर करना पड़ेगा, तो ये कॉन्स्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। अगर आपने एक सुपरवाइजर रखा हुआ है, वो सुपरवाइजर साहब जो हैं वो सारा दिन ज्यादा प्रोडक्शन हो या कम प्रोडक्शन हो वो सुपरवाइज कर रहे हैं सारे के सारे काम को, तो उनको पैसे हमने उतने ही देने हैं, प्रोडक्शन ज्यादा होने या कम होने से कम या ज्यादा नहीं होने, तो उसका मतलब फिक्स्ड एक्सपेंस है। यूटिलिटीज की बात करें, मीन चले मैं यूटिलिटीज की बजाय आसान जुबान में इलेक्ट्रिसिटी बिल की अगर बात कर लूँ, तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक्सपेंस है, जितनी मर्जी प्रोडक्शन करें
इलेक्ट्रिसिटी का बिल उतना ही रहना है, तो जवाब नहीं में है। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होगी, बिल भी ज़्यादा आएगा, तो इसे हम वेरिएबल कॉस्ट की बजाय फिक्स कॉस्ट की बजाय वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जानते हैं, एंड सो ऑन। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही एक्सपेंसेस के नाम है, एक्सपेंसेस के नाम और भी हो सकते हैं, जो भी होंगे हम उनको एनालाइज करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली जो नेचर नहीं बिहेवियर उस कॉस्ट का समझेंगे और बताएंगे कि ये हमारी फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है। जैसे हम ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के साथ बात कर रहे हैं, इसी तरह हमारे कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, तो सेलिंग एक्सपेंसेस में भी कोई एक एक्सपेंस नहीं है, लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस है। फॉर एग्जांपल सेल्समैन को आप कमीशन दे रहे हैं, तो जो सेल्समैन को आप कमीशन देंगे वो ज़्यादा सेल होगी तो कमीशन ज़्यादा देनी पड़ेगी, कम होगी तो कम देनी पड़ेगी, तो क्या वो कांस्टेंट रहेगा? तो जवाब नहीं में है, वेरिएबल एक्सपेंस है। आपने जो शोरूम है, आपका जो डिस्प्ले सेंटर है, आपने उस डिस्प्ले सेंटर की बिल्डिंग जो है वो रेंट पे ली हुई है, तो मैं कह रहा हूँ जो सेल्स शोरूम है आपका उसका जो रेंट है वो ज़्यादा सेल हो जाने से ज़्यादा हो जाएगा, कम सेल होने से कम हो जाएगा, तो जवाब नहीं में है, वो फिक्स्ड है। समटाइम्स आपने सेल्समैन कमीशन के बजाय आपने हायर किए होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी, तो आप सेल्समैन को जो सैलरी देंगे वो कम सेल हो या कम ज़्यादा सेल हो वो कॉन्स्टेंट रहेगी, तो फिक्स एक्सपेंस है। तो एडवर्टीजमेंट की बात कर लें, आपने ये देखा होगा रोड्स पे बाहर बिलबोर्ड्स होते हैं या टीवी पे कमर्शियल चलता है या न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आता है, तो वो एडवर्टीजमेंट जहाँ पे लगना है उस प्लेस के पैसे आप दे रहे हैं, वो ज़्यादा सेल हो जाए कम सेल हो जाए उसका जो आपने रेंटल चार्जेस देने हैं या अखबार में इश्तहार लगाने के पैसे देने हैं या टीवी पे एड चलवाने के पैसे देने हैं, वो कॉन्स्टेंट ही रहेंगे। उसका ताल्लुक सेल के काम ज़्यादा होने से नहीं है बल्कि उस टाइम के साथ है जिस टाइम के ऊपर वो एडवर्टीजमेंट चल रहा है। तो अगर हम बात करेंगे ये वेरिएबल एक्सपेंस है तो जवाब नहीं है, ये फिक्स एक्सपेंस है। तो अगेन ये नहीं है कि सिर्फ यही एक्सपेंसेस हैं और लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस है, यानी ये सेलिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की अगर लिस्ट बनाएंगे तो उसमें से कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस होंगे कुछ फिक्स एक्सपेंसेस होंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की लिस्ट बनाएंगे तो इसमें भी कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस होंगे और कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस होंगे। दो ये जो पहले हमने लिखे हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के एलिमेंट्स डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, ये प्योरली हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं। जी मैं स्लाइड्स ये स्टॉप करके स्लाइड्स को शेयर करता हूँ ताकि आपको वहाँ से भी ये चीज़ बताई जा सके। स्लाइड्स आपके साथ मैंने शेयर भी कर दी हैं, ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, आप ग्रुप से भी इसको देखिएगा और आपको वहाँ से ये थोड़ा सा चीज़ अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। जी जी आई होप स्क्रीन नज़र आ रही होगी। इसमें कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस ये आपके जो किताब आपको रेफर हुई है उसमें चैप्टर 5 है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स में यही लिखा हुआ है। मतलब अगर आगे चलेंगे तो हमें यह मिलेगा कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस है, बिहेवियर क्या कॉस्ट का, अकॉर्डिंगली हम इसकी बात करेंगे। और बिहेवियर के हिसाब से ये अगेन यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट बताई जा रही है, कॉस्ट दैट वेरीज इन टोटल डायरेक्टली एंड प्रोपोर्शनेटली विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल, ऐसी कॉस्ट जो वेरी करती है विद द एक्टिविटी लेवल, इसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। ये कुछ मिसालें हैं, ये हम मजीद कल भी डिस्कस करेंगे। फिक्स कॉस्ट दैट रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन द एक्टिविटी लेवल, एक्टिविटी लेवल ज़्यादा हो या कम हो, जितने भी प्रोडक्शन करें ज़्यादा करें कम करें, ऐसी कॉस्ट जो कॉन्स्टेंट रहती है। जैसे यहाँ पे मिसाल लिखी हुई है प्रॉपर्टी टैक्स है, आपने जो बिल्डिंग है आपकी प्रॉपर्टी है उस पर कम प्रोडक्शन करें ज़्यादा करें जो मर्जी करें आपको टैक्स देना पड़ेगा। इंश्योरेंस कराइए आपने बिल्डिंग की वो कांस्टेंट रहेगी, रेंट बिल्डिंग का देना है तो वो कांस्टेंट रहेगा, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे है तो वो कांस्टेंट रहेगी। कुछ मिसालें हैं फिक्स कॉस्ट की, इसी तरह से यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट की मिसाल भी दी हुई है कि इफ़ एक्टिविटी लेवल इंक्रीजेस बाय 10% टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाती है। मैंने जैसे वेरिएबल कॉस्ट की मिसाल में आपको बताया कि मटेरियल की कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है, रिपेयर मेंटेनेंस की कॉस्ट है, यूटिलिटीज़ की कॉस्ट है, बिजली के बिल की जैसे बात हो रही थी, एंड सो ऑन।
ये मुख्तलिफ तरह की कॉस्ट है, ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर हो जाएंगे और जिसमें जो इसमें मजीद बातें लिखी हुई हैं वो, और जो इसका रेलेवेंस है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के साथ और ब्रेक इवन एनालिसिस के साथ, वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। अभी मैं, अगर किसी के सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के ग्रुप के अंदर ये वाली स्लाइड्स और जो अभी मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट की या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट की, उससे रेलेवेंट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ, आप वहाँ से वो ले सकते हैं और उसको आप पढ़ें, सॉल्व करें और इन स्लाइड्स को भी पढ़ें। किताब के अंदर से चैप्टर 5 की थ्योरी थोड़ी बहुत पढ़ें, जितनी आप पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम कल आंसर भी कर सकते हैं। सो राजा सद्दाम, आप सवाल कर सकते हैं, जल्दी से पूछ लें जेंटलमैन। जी वालेकुम। भैया मैंने पूछना था, ये जो प्रोडक्शन रिपोर्ट आपने बताई है, ये इसको हम आने वाले लेक्चर में बनाना सीखेंगे? नहीं जेंटलमैन, ये जो सिलेबस का पार्ट है ये फंडामेंटल लेवल में है, कॉस्ट अकाउंटिंग फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सिलेबस था ये उसमें पढ़ा हुआ है, और अगर आप लोग एग्जेम्पशन के जरिए यहाँ पे पहुँचे हैं तो हम उस पार्ट को तो यहाँ पे नहीं बनाएंगे, बट उसकी थोड़ी बहुत जो रेलेवेंस यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह आएगी तो वो हम जरूर कैलकुलेट करना थोड़ा बहुत सीखेंगे, लेकिन फुल फ्लेज को यहाँ पे हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं। जी अहमद फैजान। जी अहमद फैजान, जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, जी मैं शेयर कर देता हूँ। जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से मुराद वो प्रॉफिट है जो बिजनेस को ऑपरेट करके हासिल किया जा रहा है, बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, चल रहा है और उसके नतीजे में जो प्रॉफिट हासिल हो रहा है उसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। जरा देखिएगा, सेल्स रेवेन्यू जो है उसमें से, यानी जो चीज़ें हमने बेची हैं उनकी सेल प्राइस, उसमें से हमने माइनस किया है वो चीज़ें जो बेची हैं उनकी कॉस्ट, यानी वो हमें कितने में कॉस्ट कर रही थी उनको माइनस करने के बाद रिजल्ट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। और ग्रॉस प्रॉफिट से मुराद ये खालिस प्रॉफिट नहीं है, मीन नेट नहीं है, उस नेट तक पहुंचने के लिए, मीन अगर आपने ये प्रॉफिट अर्न किया है तो बिजनेस का पूरा सेटअप चलाना पड़ा है, सिर्फ चीज़ें खरीद के बेच नहीं दी बल्कि आपने स्टाफ भी रखा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी हैं, चीज़ों को मार्केट भी किया होगा, एडवर्टीजमेंट भी की होगी, उनके एक्सपेंसेस भी होंगे, तो वो जो बिजनेस को ऑपरेट करने के जैसे नॉन मैनुफैक्चरिंग एक्सपेंसिस कह रहे हैं उनको अगर इसमें से माइनस करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड एज प्रॉफिट, जिसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। By operating the business, whatever you have earned is called as operating profit. In certain cases, ऐसा होता है कि business का ये source है ना, primary source है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है business के अंदर कुछ ऐसे, जैसे bank में आप deposit करा देते हैं fixed deposit, तो वहाँ से भी पैसे आते हैं, interest मिलता है, वो भी आपकी earning है, लेकिन वो business को operate करके नहीं मिली, वो इसमें over and above तो add हो जाएगा कि आपका total profit ये है, बट वो बिजनेस को ऑपरेट करके प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ, ये बिजनेस एक्टिविटी से जो प्रॉफिट जनरेट होता है उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। जी इज दैट क्लियर? जी अहमद फैजान, आपका सवाल था, इज दैट क्लियर टू यू? ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी 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 एच नूर के नाम से कोई आ रहा है नाम, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी बच्चे, बोलें आप। सर देयर इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट आल्सो। जी हम उसको आगे डिस्कस करेंगे टुमारो, कल हम उसको डिस्कस करेंगे। मैंने इसलिए स्लाइड्स का रेफरेंस दिया है और चैप्टर का कि थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आएंगे, जैसे आपने अच्छा किया सवाल रेज कर लिया, टाइम की कमी है, अदरवाइज मैं तीनों चीज़ों को अभी डिस्कस कर देता। अभी कुछ रेलेवेंट रेंज के हवाले से भी बात है वो मैंने जानबूझ के छोड़ी है, कुछ पढ़ लें तो ज़रा आसान हो जाएगा आपको समझाना भी और समझना बाकी लोगों के लिए भी। तो यू शुड गो टू द स्लाइड्स एज वेल, गो थ्रू स्लाइड्स को करें और इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 जो किताब आपको भेजी हुई है अगर हार्ड में भी अवेलेबल है वहाँ से पढ़ें, ठीक है? okay. कल इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। सोहेल अशरफ, आप अपना सवाल कर लें, हैंड डाउन कर लीजिएगा। मानूर आप अपना, जी मानूर यूसुफ आप अपना सवाल करना चाहें कर सकते हैं। तंजीलुर रहमान आप अपना सवाल करना चाहें कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम।
सर वो जो अभी आप वो जो पूरा वर्किंग प्रोसेस वो जो पूरी सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मालूम करते हैं उसमें आपने जो बीच बीच में वो बताए थे जिस तरह वो वर्किंग प्रोसेस और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का वो जो पूरा आपने वो होलिस्टिक ओवरव्यू से दिया है वो शेयर करते हैं सर वो लिखना है जी मैं वो ग्रुप में शेयर कर देता हूँ एक्सेल की फाइल आप वहाँ से उसको ले लीजिए ठीक है सर तंजीलुर रहमान है जी तंजील साहब आप अपना सवाल करें सर आई एम न्यू हियर इट्स माय फर्स्ट इन द क्लास तो प्लीज आप ग्रुप का लिंक शेयर कर सकते हैं प्लीज जेंटलमैन नंबर आपको दिया है इस नंबर पे आप मैसेज करें फिर आपको ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया जाएगा 0333425611 बोल दिया है आप इस पे भेजिएगा क्यूआर कोड आ जाएगा वहां से मटेरियल भी मिल जाएगा ठीक ओके ठीक है थैंक यू सर जी थैंक यू ओके जी दैट्स ऑल फॉर द डे अगर कोई सवाल पेंडिंग है तो आप उसको कल भी पूछ सकते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर वो आप पूछ लीजिएगा जो आज मैंने ये सब कुछ एक्सेल फाइल पे शो किया ये भी मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने कहे हैं चैप्टर 2 जो किताब आपको मिली हुई है और इसके अलावा मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन वैसे भी भेज देता हूँ आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं स्लाइड जो प्रपोज हैं नई वाली वो भेज रहा हूँ उसको पढ़िएगा इनशाला फिर कंटिन्यू करेंगे टुमारो इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच सर अल्लाह